हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेट की कैपेसिटर की थियरी देखी थी, आज उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी फॉर अ गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, हम दो चीज जानते हैं। फर्स्ट कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीज। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीज। और दूसरी बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। ये दो कॉन्सेप्ट को याद रखे, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल है 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। मतलब ये डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअल में हमारी फॉर्मूला जो थी वो इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर है, इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर है। लेकिन अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सिंपल हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लिखेंगे, और जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें से कम पोटेंशियल हम माइनस करेंगे। डायरेक्शन के लिए एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। या तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो वही डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो मुझे मिल गई 40 to 10, मतलब ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों, ये पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो 40 - 30 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, 30 - 20 डिवाइड बाय 10। सी पॉइंट पे क्या होगा, 20 - 10 डिवाइड बाय 5। ठीक है, मान लो कि ऐसा डायग्राम, ऐसे डायग्राम है आपके पास कि भाई ए एक्स डायरेक्शन, ए वाई डायरेक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल 10, 20, 30, 40 है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ए डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सभी डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? मुझे मान लो कि यहाँ पे ए पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बच्चों क्या करेंगे हम, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 - 10 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ए 30 है, ये डिस्टेंस मेरे पास है 5, ए 90 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी ये 5 है, ये 30 है, तो ऑपोजिट साइड क्या होगी, 5 sin 30। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 sin 30, बस हो गया, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन खास टिक मार्क कर लेना। अब हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में बेसिक इक्वेशन तो बच्चों हम जानते हैं। सीरीज में 1/C = 1/C1 + 1/C2 + --। पैरेलल के अंदर C = C1 + C2 + --। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें चार्ज और पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से देखो बच्चों, मुझे ए एंड बी के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके करस्पोंडिंग इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो अननोन पॉइंट है उसको कुछ नाम दे देते हैं, एक्स एंड वाई। तो यहां पे एक्स एंड वाई के बीच
ये वाई पॉइंट हो गया, ये एक्स पॉइंट हो गया, एक कैपेसिटर है और एक दो कैपेसिटर भी एक्स एंड वाई के बीच में, ओके। लेकिन एक्स और ए के साथ क्या है, एक कैपेसिटर है, यहां पे ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट है, ये यहां पे लिखो यहां पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर के सभी पॉइंट क्या होंगे, एक्स, जब तक कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। अब एक्स और ए के साथ एक कैपेसिटर है, ये पॉइंट हो गया। सेम वायर बी के साथ एक कैपेसिटर, ओके, और ए एंड बी के साथ दो कैपेसिटर, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, सभी कैपेसिटर की वैल्यू सी है। मुझे बच्चों ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो ध्यान से देखो पहले तो कौन से कनेक्शन है, सीरीज, इसके साथ ये पैरेलल, फिर तीनों सीरीज एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन दो कैपेसिटर सीरीज में, और फिर दोनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, पैरेलल कनेक्शन, ऐसे भी पॉइंट लिखता हूं नीचे, यहां से हटा दिया। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है बच्चों। सबसे पहले कैपेसिटेंस ये दोनों का क्या होगा बच्चों, दोनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज, सीरीज में सी बाई टू, फिर इसके साथ ए पैरेलल, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी प्लस सी बाई टू, मतलब थ्री सी बाई टू हो गया। फिर वन थ्री सी बाई टू सी, तीनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, पैरेलल कनेक्शन, वन अपॉन सी डैश इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन थ्री सी बाई टू, ओके। ये दोनों सीरीज में तो सी डबल डैश इक्वल टू सी बाई टू, ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया सी बाई टू। फिर ये दोनों पैरेलल में सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन पैरेलल, सो नेट कैपेसिटेंस सी डैश प्लस सी डबल डैश, आंसर जो भी आए बच्चों, पहले दोनों सीरीज इसके साथ है पैरेलल, फिर तीनों सीरीज और फिर ये दोनों के साथ वो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन। तो समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको सर्किट डायग्राम, इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। ये दोनों यहां से स्टार्ट करो बच्चों, ये दोनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज, इसके साथ ये पैरेलल हो गया, फिर एक्स के साथ ये वाई के साथ भी एक एक कैपेसिटर है, तो तीनों कौन से कनेक्शन में हो गए, सीरीज, इसका इक्विवेलेंट और ये दोनों कौन से कनेक्शन में हो गए, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। फिर ये दोनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, सीरीज में, और फिर दोनों सर्किट कौन से कनेक्शन में, पैरेलल। समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कुछ नाम दे देते हैं, डी ई जी एच एफ लिखो, व्हाट एवर जो भी, पहले जी एंड एच के बीच सोचो ये तीनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, पैरेलल कनेक्शन, इसके साथ सॉरी सीरीज में आएंगे, इसके साथ है पैरेलल, ओके। फिर ये जो भी कुछ इक्विवेलेंट मिला आपको, जो कुछ इक्विवेलेंट आया, ओके, मान लो कि तीनों सीरीज में है तो 6/3 हो जाएगा, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2, 2 प्लस 4 मतलब 6, फिर 6 तीनों पैरेलल सीरीज में तो बाई 3 मतलब 2 आएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, और तीनों 6 के सीरीज में मतलब आंसर क्या आएगा,
कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 2 माइक्रो तो माइक्रो फैरड हो तो फैरड ठीक है। इज दिस क्लियर बच्चों? फैरड लिखा तो फैरड लिखना, माइक्रो फैरड है तो माइक्रो फैरड। फिर से एक बार समझिए, ए तीनों कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या करना है बच्चों? सी एस इक्वल टू सी अपॉन एन। अगर कैपेसिटर सेम है तो हम सी बाय एन कंसिडर कर लेते हैं। तो 666 के तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो रिजल्टेंट क्या होगा? 6 डिवाइड बाय 3 मतलब 2। इसका नेट कैपेसिटेंस 2 आया। इसके साथ 4 पैरेलल में, पैरेलल में क्या करना है बच्चों? 7 प्लस 2 प्लस 4 मतलब 6। तो इसका नेट कैपेसिटेंस आया 6। ओके, फिर 666 मतलब 3 हो गया, फिर 4 इसका हो गया 6 डिवाइड बाय 3 मतलब 2 हो गया प्लस 4 मतलब 6। और 6 माइक्रोफैरड के तीन कैपेसिटर सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? 6 बाय 3 मतलब 2। आंसर क्या आएगा? 2 माइक्रोफैरड। चलो बच्चों, पहले ये दोनों पीछे से स्टार्ट करना सीखो। यहां से स्टार्ट करके आपको जहां पे जिस दो पॉइंट के बीच फाइंड करना है वहां पे पहुंचना है। पहले दोनों कौन से कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में। तो इसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? 3C। ठीक है, 3C के साथ ये कौन से कनेक्शन में आएगा? सीरीज में। तो 3C इंटू 6C अपॉन 3C प्लस 6C। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो नेट कैपेसिटेंस क्या मिला? 2C। 2C के साथ AC कौन से कनेक्शन में आएगा? पैरेलल में। 2C प्लस C मतलब हो गया 3C। यहां तक हम पहुंच गए। ओके, अब ये जो 3C है और ये दोनों कौन से कनेक्शन में? सीरीज में। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 12 प्लस 4 ये हो गया 3। इसका 3 है, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना मिला? 3C। ओके, इसका 3C, इसका भी 3C, 3C 3C के दो पैरेलल है तो 6C हो जाए। और इसके साथ एक कौन से कनेक्शन में आएगा? सीरीज में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, पहले दो कौन से कनेक्शन में? पैरेलल, इसके साथ है सीरीज। इसका नेट मिल जाएगा आपको, उसके साथ है पैरेलल, इसका नेट मिल रहा है, ये दोनों सीरीज और इसका जो नेट आए दोनों पैरेलल, और जो भी आंसर है उसके साथ 12 कौन से कनेक्शन में आएगा? सीरीज कनेक्शन। और आपको फाइनल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना बच्चों आपको सीखना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए और बी के बीच फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। पहले ए एंड ए की भाई ई की बात करेंगे। ए दोनों कौन से कनेक्शन में? सीरीज। 6 6 है तो सीरीज में क्या करना है? बाय 2 हो गया 3। इसका नेट क्या हो गया? 3C। इसके साथ ये कौन से कनेक्शन में आएगा? पैरेलल। तो 3C प्लस 3C 6C 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 सीरीज में मतलब 3C 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 पैरेलल 6C 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 सीरीज 3C 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 कौन सा कनेक्शन? पैरेलल। 6C 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 3C। और फिर फाइनली इसका जो भी नेट आएगा उसके साथ पैरेलल आएगा, मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये मेरा ए पॉइंट और ए बी पॉइंट, ये 6C। फिर से एक बार, ये दोनों का 3, 3 के साथ 3 6 6 6 मतलब 3 3 3 6 6 6 3 3 और ए 3 6 6 और 6 कितना हो गया? और फाइनल आंसर क्या आएगा? दोनों पैरेलल में तो 3C प्लस। ओके, 3C प्लस 6C मतलब क्या है? माइनस। इज दिस क्लियर बच्चों? दोनों सीरीज
इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज और फाइनली पैरेलल। चलो पहले तो बी पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, डी ई एफ जी एच आई जे के, नेम आप कोई भी दे दो। अब क्या करना है बच्चों, पहले इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। ई और जी के बीच क्या सिचुएशन है बच्चों, तो ये दोनों सीरीज में आएंगे और ये पैरेलल है। 9 और 18 सीरीज में है तो उसका इसको हम सॉल्व करें तो 18 इंटू 9 डिवाइड बाई 18 प्लस 9। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक 6 आ रहा है ये दोनों का। ओके, इसके साथ 2C कैसा होगा पैरेलल, मतलब ये मुझे मिल गया 8C, इसका टोटल 8C मिला। फिर इसको सॉल्व करो, ये दोनों कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल, पैरेलल में क्या करोगे बच्चे। ओके, अब यहाँ पे ये सोचो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट तक ए इसका जो नेट है वो, और ये तीनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, सीरीज कनेक्शन। एक इसका जो नेट आए हो ये कौन से कनेक्शन में आएंगे, सीरीज कनेक्शन। आई बात सब, फिर ये दोनों कौन से कनेक्शन में, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ए और ए दोनों कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन। और फिर एक इसका जो रिजल्टेंट आए वो और ए तीनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, सीरीज कनेक्शन। फिर से पहले इसको सॉल्व करो, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ही पैरेलल सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है। फिर ये दोनों पैरेलल, एक इसका जो रिजल्टेंट है तो सीरीज में, तो एक्स वाई के बीच में है। यहाँ पे क्या होगा, एक इसका नेट और एक तीनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर एक इसका एक्स और वाई के बीच जो भी नेट है वो और एक तीनों कौन से कनेक्शन आएंगे, सीरीज कनेक्शन, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो सभी कौन से कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, तो जब प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड हो, प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड हो तो सीरीज कहलाता है, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस कनेक्टेड हो तो पैरेलल कहलाता है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, All are connected in series. So CS equal to one upon C1 plus one upon C2 plus one upon C3 plus one upon C4 plus dash dash dash. यहाँ पे क्या होगा बच्चों? One upon C plus one upon 2C plus one upon 4C plus one upon 8C plus. वन अपॉन सी कॉमन निकाल दो बच्चों तो आपको एक पेयर मिल जाएगी, वन प्लस वन हाफ प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई डैश डैश डैश। इसका एडिशन बच्चों आप जानते हो, रेशनल सीरीज है, एस एन इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। फर्स्ट टर्म क्या है तो वन माइनस, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो वन बाई टू अपॉन। ओके, ये तो वन ही रहेगा, टू माइनस वन वन बाई टू, टू टू गया ऊपर। एक ऐसे कोई भी सीरीज है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, टू। यहाँ पे क्या मिला बच्चों, टू अपॉन सी, मुझे सी एस फाइंड करना है। यहाँ पे आंसर मिल गया मुझे कितना, सी एस इक्वल टू सी अपॉन टू, सी एस इक्वल टू सी अपॉन टू। ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए बच्चों, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, मैंने तो सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल समझाया है, सीरीज और पैरेलल कैसे लिया जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाई जाती है। ओके, पहले कुछ भी है तो पॉइंट को नाम दे दो और अपने हिसाब से जोड़ते जाओ और फिर सीरीज पैरेलल आपको देखना है,
हो सके तो पीछे से स्टार्ट करना है। मान लो कि ए दो पॉइंट के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो पीछे से स्टार्ट करके ए और बी के बीच चला जाना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। चलो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि जिसमें पर्टिकुलर मेथड चाहिए तो वो ट्राई कर रहे हैं। ध्यान से देखें बच्चों की ये एक सीरीज है, ये रिपीट हो रही है, ऐसी एक एल शेप सीरीज है वो इनफाइनाइट तक चलती है, मतलब रिपीट हो रही है। यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो कि सीरीज है। क्या है सीरीज ए एंड बी, जो हमारा आंसर है वो मैंने कंसिडर किया कि मान लो कि ए एंड बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, सीरीज है। एक्स वाई कोई भी नाम दे ले सकते हो, मैंने सीरीज दिया। ठीक है, अब मैं अगर इनफाइनाइट के अंदर रिपीटेड एक लूप अगर ऐड करता हूं तो नेट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप इनफाइनाइट के अंदर वन ऐड कीजिए, टू ऐड कीजिए, थ्री ऐड कीजिए, तो वैल्यू नेवर बी चेंज। कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू है उसमें अगर कोई रिपीटेड वैल्यू आप ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट लूप है, कौन से लूप इनफाइनाइट है, एल शेप है, आपको नजर आ रहा है बच्चों, तो ए एल शेप लूप इनफाइनाइट रिपीट हो रही है। तो मैंने क्या किया, पहले ए एंड बी के बीच एक कैपेसिटेंस कंसिडर कर लिया सीरीज, और फिर इसके अंदर मैंने एक एडिशनली लूप ऐड किया जो रिपीट हो रही थी, कौन सी वाले, एल वाले। तो ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस में कोई खास चेंज नहीं हुआ, इतना समझ में आया। अब बच्चों ये दोनों कौन से कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, और इसके साथ ही कौन से कनेक्शन है, सीरीज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू सीरीज प्लस सी इनटू ए वाला कैपेसिटेंस, ये दोनों का तो मिल गया मुझे नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी प्लस सीरीज, और इसके साथ इस सीरीज में इनटू सी अपॉन सी प्लस सीरीज प्लस सी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन के। लेकिन ये जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा। अब एक्स नाम लिख दो वही अच्छा रहेगा, सीरीज की जगह पे मैंने एक्स लिखा, आप सीरीज लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, और इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स। पहले मैंने ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कंसीडर कर लिया, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू एक्स, और फिर एक रिपीटेड लूप इसके अंदर मैंने ऐड कर ली जिसकी वजह से नेट कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस xc इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, xc प्लस x स्क्वायर प्लस xc हो गया, c और एक तो c है, सॉरी हम c लेकर 2c है, x प्लस 2c लिखना पड़ेगा। ओके, चलो चलो सॉल्व करो, टू सी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, टू सी प्लस सी मतलब थ्री सी था होगा, तो थ्री सी एक्स प्लस
हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2c इंटू सी टू सी स्क्वायर एक्स ही हो गया, 2c प्लस सी मतलब 3c होगा इंटू एक्स तो 3cx, और x x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। चलो जो भी कैंसिल हो कैंसिल कर लो, एक्स स्क्वायर ए एक्सिस में उस साइड पे ले जाओ माइनस टू सी एक्स हो गया प्लस टू सी एक्स इक्वल टू टू सी स्क्वायर, मैंने एक्सिस में से माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स इक्वल टू क्या होगा टू सी स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड पे बच्चों सी स्क्वायर ऐड करता हूं, दोनों साइड पे मैंने सी स्क्वायर ऐड कर लिया। ओके ध्यान से देखो ये क्या हो गया x प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों x प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, यहां से स्क्वायर निकालो तो स्क्वायर रूट हो गया, सो x की वैल्यू क्या मिली हुई है उस साइड पे ले लो तो c प्लस और माइनस रूट थ्री सी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2.73 सी 1.7 और 1.7 और 0.73 सी दो आंसर मिलेंगे, माइनस माइनस ऐड कर लीजिए तो माइनस 2.73 सी, नेगेटिव कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं है तो प्लस रूट थ्री सी माइनस सी मतलब क्या होगा 0.3 सी, x का मुझे आंसर है। ओके ये वाला क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देख लेना, मेथड ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जब भी इनफाइनाइट लूप आए तो सबसे पहले क्या करना है दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कंसीडर करना है, फिर जो भी लूप है रिपीट हो रही है उसको ऐड करना है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे आप ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस कंसीडर करेंगे, ए एक्स मैंने कंसीडर कर लिया ए और बी, अब कौन सी लूप रिपीट हो रही है ध्यान से देखो, ए वाली लूप रिपीट हो रही है। ओके जो लूप रिपीट हो रही है उसको ऐड करना है, मैंने ए लूप रिपीट जो हो रही थी उसको ऐड कर दिया। अब बच्चों क्या करेंगे ये दोनों कौन से कनेक्शन में पहले और फिर सीरीज, वन अपॉन सी ए बी इक्वल टू वन अपॉन सी ए बी इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस ये दोनों पैरेलल में है एक्स प्लस हो गया एलसीएम में एलसीएम क्या आएगा सी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस सी प्लस सी। ओके इतना समझ में आया, और इसका जो इक्विवेलेंट है सी ए बी जो मैंने एक्स कंसीडर किया है क्या लिखूंगा मैं वन अपॉन एक्स, सी ए बी जो इक्विवेलेंट है यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया है कि पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा तो आंसर क्या आएगा एक्स आएगा, फिर मैंने एक इनफाइनाइट के अंदर एक लूप ऐड कर लिया, फिर नेट कैपेसिटेंस फाइंड किया वन अपॉन सी ए, लेकिन सी ए बी क्या है एक्स। बच्चों ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और फिर सॉल्व करना, ठीक है पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। ओके ये हो गया टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस अपॉन एक्स लिख 2x प्लस सी ओके प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x सी प्लस एक्स सी। ओके हो गया 2x स्क्वायर 2x सी और फिर एक्स सी, फिर हमें नॉर्मली सॉल्व करना है
2x एक x ही कैंसिल हो गए प्लस 2x माइनस स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करेंगे a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2c और c इक्वल टू माइनस 6 डेल्टा इक्वल टू x इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू रखकर आप सॉल्व करना आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेगेटिव वाले वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी, पॉजिटिव वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब प्लेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। अगर n नंबर ऑफ प्लेट है तो n माइनस 1 नंबर ऑफ कैपेसिटर उससे बनने वाला है। n नंबर ऑफ प्लेट है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने मिलेंगे, n माइनस 1। अगर सभी प्लेट पैरेलल है तो ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों कि ये दो प्लेट जो है उससे मेटल वायर से मैंने कनेक्ट किया और ये दो प्लेट के साथ मैंने सोर्स कनेक्ट किया। मैंने क्या कनेक्ट किया, सोर्स मतलब बैटरी कनेक्ट कर लिया। तो अब कैसे कैपेसिटर बनेंगे वो ध्यान से देखो बच्चों। तो पहले ये टू वाला जो प्लेट है ये टू नंबर यहां पर मैंने लिखा है, तो टू के साथ ये टू नंबर एक के साथ कैपेसिटर बना रहा है और टू नंबर थ्री के साथ कैपेसिटर बना रहा है। टू नंबर दो प्लेट के साथ कैपेसिटर बना रहा है, एक और थ्री दोनों के साथ। तो टू नंबर की प्लेट वन के साथ कैपेसिटर बनाएगी, टू नंबर की प्लेट थ्री के साथ कैपेसिटर बनाएगी। लेकिन वन और फोर एक ही प्लेट है, मेटल वायर से कनेक्टेड है, इसलिए ये सिंगल कॉमन प्लेट हो गई ऐसा हम कह सकते हैं। तो वन के साथ मैंने यहाँ पे फोर कनेक्ट कर दिया, ये कॉमन प्लेट। और ये जो कॉमन प्लेट है थ्री के साथ एक कैपेसिटर बना रही है, थ्री के साथ एक कैपेसिटर बना रही है। तो अब सिचुएशन क्या हो गई, मेरे पास दो कैपेसिटर है जो सीरीज में है और इसका जो नेट मिलेगा उसके साथ एक कौन से कनेक्शन में आएंगे, पैरेलल कनेक्शन में। ये दोनों सीरीज में है बच्चों, तो सीरीज में क्या होगा सी बाय टू और इसके साथ ये पैरेलल है, मतलब C A B इक्वल टू C प्लस C बाय टू मतलब 3 C बाय टू मतलब 3 A एप्सिलॉन जीरो अपॉन टू डी। मुझे इसका आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला बच्चों, C और C सीरीज में जिसका नेट कैपेसिटेंस होगा C बाय टू और इसके साथ ए पैरेलल तो C प्लस C बाय टू मतलब क्या होगा 3 C बाय टू। ओके, कैसे लिखा समझ में आया बच्चों। प्लेट ए यहाँ पे मैंने ए रखा पॉजिटिव टर्मिनल, बी रखा नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब ए वाली प्लेट मतलब दो नंबर एक और तीन के साथ कैपेसिटर बना रहे, दो नंबर एक और तीन के साथ कैपेसिटर बना रहे और ए जो तीन वाली प्लेट है फोर के साथ कैपेसिटर बना रहे। लेकिन वन एंड फोर कॉमन प्लेट है, वन एंड फोर कॉमन प्लेट है, समझ में आया बच्चों। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन ले, अब ध्यान से देखो यहां पे मैंने वन और थ्री को मेटल प्लेट से कनेक्ट किया। ओके, ए प्लस और बी माइनस मान लो, तो क्या होगा बच्चों, ये दो नंबर एक के साथ दो नंबर तीन के साथ तो कैपेसिटर बनाएगा, दो एक के साथ दो तीन के साथ। लेकिन ये तीन नंबर बी की जो प्लेट है तीन नंबर वो किसके साथ कैपेसिटर बना रही है, फोर के साथ, इसके साथ फोर के साथ। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, बी का थर्ड नंबर है और इसका फोर्थ नंबर है, गलत लिखा है, ऐसे सिचुएशन आएगी ए ए का दो नंबर और बी का वन नंबर है। ठीक है, ये हो गया ए और ए बी हो गया। ओके, और फिर ए की जो प्लेट है
नंबर सिर्फ गलत लिखा मैंने, नंबर को चेंज कर लेता हूं मैं, तीन और चार, तीन कॉमन प्लेट है, डायग्राम गलत है, ये वाला पॉइंट भी है, ओके चलो हो गया। देखो बच्चों, पहले ये जो दो नंबर है, एक के साथ एक कैपेसिटर बना, दो वाले प्लेट ने तीन के साथ, लेकिन एक और तीन कॉमन प्लेट है, एक है वन और थ्री कॉमन प्लेट है, तो वन और थ्री कॉमन प्लेट बना है, इसको मैं कुछ नाम दे दूं एक्स, तो मान लो कि एक्स है, ठीक है, और एक्स और बी, एक्स और बी के बीच थ्री और फोर कैपेसिटर बना है, ठीक है, एक डायग्राम में थोड़ी गलती थी। चलो अब क्या करना है बच्चों, ये दोनों कौन से कनेक्शन में पैरेलल है और इसके साथ इस सीरीज, तो सी ए बी इक्वल पैरेलल में क्या करोगे बच्चों, सी प्लस सी मतलब टू सी, सी प्लस सी मतलब टू सी, और इसके साथ इस सीरीज में आ गया तो इन टू सी अपॉन टू सी प्लस सी मतलब टू सी स्क्वायर अपॉन टू सी, मतलब आंसर क्या है, टू सी बाई टू मतलब 2a epsilon 0 upon 3d, ओके? अगर ऐसा डायग्राम आपको नजर आए तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, 2a epsilon 0 upon 3d, ओके? करेक्शन कर लेना क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे सिंपल है, a को पॉजिटिव मान लो, b को नेगेटिव मान लो, तो a जो दो नंबर है, a वाली प्लेट है वन के साथ कैपेसिटर बनाएगी, और एक तीन वाली जो प्लेट है फोर के साथ कैपेसिटर बनाएंगे, मतलब एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा ए वाला कैपेसिटर हो गया, टू और थ्री ए के साथ कनेक्टेड है, दोनों खुद तो कैपेसिटर नहीं बना सकते, इसलिए एक और दो, दो कैपेसिटर दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तो सी एच इक्वल टू टू सी मतलब टू ए एफ साल इन जीरो अपॉन डी, ओके। अब यहाँ पे ए जो प्लेट है, इसकी तीन प्लेट है, वन थ्री और फाइव, और बी के साथ दो प्लेट है, टू नंबर और फोर नंबर, एक ए की प्लेट ले लो, एक बी की, ए दोनों एक कैपेसिटर, ए दोनों एक कैपेसिटर, ए दोनों एक कैपेसिटर, ए दोनों एक कैपेसिटर, मतलब टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री एंड फोर, फोर कैपेसिटर कौन से कनेक्शन में, पैरेलल में, तो सी ए बी इक्वल टू, पैरेलल में क्या करना है बच्चों, एडिशन करना है, तो फोर सी हो गया, मतलब आंसर क्या आएगा, फोर एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, ओके। चलो एक कुछ अलग है, एक ही तीन नंबर की प्लेट, एक ही तीन नंबर की जो प्लेट है फोर के साथ, और फिफ्थ और फोर, ये दोनों एक कैपेसिटर बना, ध्यान से देखो, पहले इतना सॉल्व करो, या पे एक नाम दे देता हूं मैं x, तो सिर्फ a और x के बीच का आप सोचो, पहले a और x के बीच का सोचेंगे हम, 3 और 4, 4 एंड 5, ठीक है, ये यहां पे मैंने x लिख दिया, चलो हो गया x, तो a और x के बीच 4 थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर, फाइव एंड फोर, फाइव एंड फोर, दो कैपेसिटर मिल गए, हो गया, और फिर एक्स और बी के बीच एक कैपेसिटर बना, एक्स और बी के बीच एक कैपेसिटर बना, किसका, वन एंड टू, ओके। ऐसा डायग्राम पहले भी हम देख चुके, अगर ये दोनों सीरीज में पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, टू सी, और इसके साथ ए वाला कौन सा कनेक्शन है, बोलो बच्चों, टू सी स्क्वायर अपॉन थ्री सी मतलब टू बाई थ्री सी मतलब टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन थ्री, हो गया। तो ये प्लेट वाले कुछ क्वेश्चन है जो आप अच्छे से समझ लेना, मोस्ट ऑफ ले इसमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहले मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना सिखाया, फिर
नेट कैपेसिटेंस फॉर प्लेट, तो पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना, जो भी है वो इक्विवेलेंट डायग्राम है। एक बार इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया बाद में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको डिवीजन पढ़ाया था कि अगर डिस्टेंस के अंदर डिवीजन हो, अगर दो प्लेट के बीच जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है उसमें पार्टीशन हो तो सीरीज में कहलाते हैं, और अगर एरिया में डिवीजन हो, एरिया जो है दो प्लेट के बीच और उस जो डिवीजन है तो वो पैरेलल कहलाता है। या फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, अच्छा डिस्टेंस है और ये एरिया है, ओके। इसको आप ऐसे उल्टा के सोच सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन आ गई, ए एंड हो गया, ये डिस्टेंस हमारा डी है और जो सेपरेशन हो रहा है एरिया के अंदर हो रहा है, ओके। ए केवल इक्वल टू 4 है, ए के टू इक्वल टू 3 है, समझ में आया बच्चों, ओके। डिस्टेंस के अंदर एरिया भी हाफ ऑफ है, एरिया की जरूरत नहीं है, डिवीजन इस तरह से, सॉरी इसको ऐसे इंटरचेंज कर लो, हमें ए और बी देखना है, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, ये दो प्लेट के बीच सोचना है कि ये डिस्टेंस डी है उसमें पार्टीशन ए वाला है, क्लियर ड्रॉ नहीं किया लेकिन हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लो कि ए वाला पार्टीशन है, ए और ए दोनों सीरीज में आ गए, केवल और ए के, ठीक है। अगर ऐसा नहीं, अगर वर्टिकली ए और बी ऐसे कनेक्शन तो डिस्टेंस में सेपरेशन हो गया, मतलब दोनों कौन से कनेक्शन में आ गए सीरीज में, डी बाई टू और ए हो गया डी बाई टू, ठीक है। लेकिन अगर इससे उनका ए पॉइंट बी, ए पॉइंट बी, और अगर इस तरह से सेपरेशन के वन एंड के टू, ए हो गए पैरेलल, ए हो गए पैरेलल, दोनों को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान से देखो, पहले सीरीज का कंप्लीट करते हैं, सी वन इक्वल इसके लिए बोलो की वन सी वन इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड टू, तो ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डिवाइड टू इनटू की वन, सी टू इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइड टू इनटू की वन, हो गए। के वन और के टू की वैल्यू मेरे पास है तो हमें लिखना है, बाकी जरूरत नहीं है। चलो अभी दोनों कौन से कनेक्शन है सीरीज, सीरीज में क्या करोगे बच्चों, वन अपॉन सी डैश इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी, ओके। वैल्यू देखिए सी वन की वैल्यू क्या है, तो टू के वन बी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो प्लस टू ऊपर चला गया, ये वैल्यू नीचे है टू ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर गया डी टू के वन ए एप्सिलॉन जीरो प्लस डी ऊपर टू के टू ए एप्सिलॉन जीरो, डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो बाहर निकाल दिया, टू इंटू के वन, के वन कितना है 4 प्लस टू इंटू के टू, के टू कितना है यहां पे 3 है, सॉरी चलो पहले दो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर इसको सोचते हैं। के वन इक्वल टू 4 और के टू इक्वल टू 3 ले लो, यहां पे के वन इक्वल टू 4 के टू इक्वल टू 3,
ये तो हो गया 1/c, इसको सॉल्व करो 8 और 1/6 जो आंसर है हो गया। ये एडिशनल क्वेश्चन है इसके लिए, मान लो कि इसको मुझे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, तो क्या करोगे बच्चों, सिंपल इक्वल ए बाई टू एप्सिलॉन जी अपॉन डी इंटू के वन, सी टू इक्वल ए बाई टू एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी इंटू के टू हो गए। फिर हमें दोनों को ऐड करना है, नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी इक्वल सी वन प्लस सी टू, सॉल्व कीजिए बच्चों, ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी के वन बाई टू प्लस के टू बाई टू। ओके के वन के टू हमारे पास 4 और 3 जो भी डेटा आपने कंसिडर किया वही ले जाए, ये तो हो गया सी 4 और 3 2 1.5, आंसर कितना आएगा बच्चों 1.5 प्लस 2 मतलब 3.5 सी हो गया। पहले नोट कर लो ये दो एडिशनल क्वेश्चन हो गए, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, पॉज करके देख लो। ओके इसका सॉल्यूशन ये है, इसको भी पॉज करके देख लो, दोनों एडिशनल क्वेश्चन है मैं निकाल देता हूं, इससे पहले लिख लो हो गया। अब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसके ऊपर फोकस करो, यहां पे 3 लेयर है, एक का डायरेक्ट कांस्टेंट 4, दूसरे का 3 और तीसरे का 6 है। इस सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हम तीनों का कैपेसिटेंस लिखेंगे, तीनों का कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा, जिसका डिस्टेंस डिवाइड टू हो तो डिवाइड टू लिखना है, एरिया डिवाइड ए बाई टू हो तो ए बाई टू लिखना है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो भी दिया है, हमारी बेसिक फॉर्मूला क्या थी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, अगर मीडियम है तो हम के से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है, तो उस हिसाब से पहले तीन कैपेसिटेंस लिख लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट के लिए लिखता हूं मैं सी वन इक्वल एरिया पूरा डिस्टेंस पूरा एरिया हाफ है ए बाई टू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन जी, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है। ओके तो हमें क्या मिला बच्चों ए ए एप्सिलॉन जीरो डी गलत लिखा, फिर से एक बार लिखा सॉरी चलो इसके लिए बोलो एरिया ए बाई टू है एप्सिलॉन जीरो अपॉन ए पूरा डिस्टेंस है मतलब डी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4, सॉल्व करो तो 2 ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, इसको एक नाम दे देता हूं मैं सी जीरो ठीक है। चलो इसके लिए हम लिख रहे हैं सी टू ए सी वन ए सी टू और ए सी थ्री, इसके लिए एरिया भी हाफ है डिस्टेंस भी हाफ है ए बाई टू और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, टू को कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3 ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी मतलब हो गया 3c। ओके चलो फिर इसके लिए बच्चों डिस्टेंस भी हाफ है एरिया भी हाफ है बोलो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट कितना है 6, यहां पे क्या मिलेगा मुझे 6 हो गया। अब कौन पैरेलल कौन सीरीज में वही सोचना है हमें कि भाई
जो एरिया के अंदर पार्टिसिपेट होंगे, ए डिवाइड टू डिस्टेंस, तो ये दोनों हो गए सीरीज में, और इसका जो नेट आएगा और ए दोनों हो गए पैरेलल। तो टू एंड थ्री सीरीज में, टू एंड थ्री आर इन सीरीज, C2 and C3 इन सीरीज। सीरीज में क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन, C2 C3 upon C2 plus C3, दोनों की वैल्यू क्या है, 3C0 6C0, ओके 6 into 3 18 डिवाइड बाय 9, मतलब हो गया 2C0, इसका नेट मुझे मिल गया 2C0। अब सिडेश एंड सीवन इन पैरेलल, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन तो पैरेलल में, मतलब C" सिडेश प्लस 2C0 प्लस सीवन कितना है 2C0, आंसर मिलगा 4C0। ये वाला ओरिजिनल क्वेश्चन है, पॉज करके बच्चों लिख लो, इसकी तो नोट्स मैं भेजने वाला हूं, फिर भी आप अपने हिसाब से नोट करके लिख लेना, ठीक है। फिर से एक बार कि भाई ए डिस्टेंस है, इसमें ए दो पार्टीशन हो गए, ये दोनों सीरीज में आएगा, और ए जो एरिया है इसमें दो पार्टीशन हो गए, ये दोनों कैसे कनेक्शन में आ जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में, ओके। चलो इसके लिए 1 2 3 डिस्टेंस में डिवीजन है, मतलब तीनों कौन से कनेक्शन में आ गए बच्चों, बोलो सीरीज कनेक्शन में, कैसे लिखना है बच्चों, तो C = A ε₀/d/3 × k₁, दूसरे के लिए सेम A ε₀/d/3 × k₂, प्लस तीसरे के लिए भी सेम C = C3 = A ε₀/d/3 × k₃, और फिर फाइनल जो बचेगा उसका हम आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों के लिए लिखते, पहले C1 A ε₀/d/3 × k₁, 3 ऊपर चला जाएगा, k₁ की वैल्यू 1 है, तो 3 A ε₀/d × 1, मतलब 3C₀। चलो C2 क्या होगा बच्चों, A ε₀/d/3 × डायरेक्ट्री कांस्टेंट क्या है, 3 है, ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा 9 A ε₀/d, ओके 9C₀। चलो इसके लिए सोचो बच्चों, सेम A ε₀/d/3 × डायरेक्ट्री कांस्टेंट 6 है, 6 3 ऊपर चला जाएगा 18, ओके A ε₀/d/3 मतलब 18C₀, और तीनों कौन से कनेक्शन में हो गए, सीरीज, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर सेपरेशन, 1/C₁ = 1/C₁+1/C₂+1/C₃, C₁, C₂, C₃ की वैल्यू हमारे पास है 3C₀, 9C₀ और 18C₀, एलसीएम में 18C₀, 6 + 2 + 1 / 2C₀, सो सीरीज इक्वल टू आंसर मिलेगा आपको 2C₀, ओके समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको करवाया था, कि इन द डायरेक्शन ऑफ हीट कंडक्शन, मतलब डिस्टेंस में सेपरेशन हो तो वो कौन से कनेक्शन में थे, सीरीज में, और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट अगर पार्टीशन है तो वो कौन से कनेक्शन में आएंगे, पैरेलल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है कि एरिया के अंदर डिवीजन है तो वो पैरेलल, डिस्टेंस के अंदर डिवीजन है तो वो सीरीज, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इतना दो कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको करवाए, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं और दूसरा प्लेट के अंदर कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, और तीसरा प्लेट में अगर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंसर्ट किया जाए तो सीरीज पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि जो भी लेक्चर है मैंने इंग्लिश मीडियम में लिया है लेकिन दोनों में कॉमन ही है, आप समझ जाओगे इजीली, इसमें समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ मैंने एक और प्रैक्टिस पेपर आपको सेंड किया है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, शोर दोस्तों।